इस बार जो बजट पास हुआ है इसका सीधा फायदा मोदी के दोनों सहयोगी दलों को मिला है। पहला तो नीतीश कुमार की पार्टी और दूसरा चंद्रबाबू के टीडीपी को इस बजट का भरपूर फायदा मिला है। लग तो ऐसा रहा है कि इस बार जो बजट पास हुआ है वो देश के विकास के लिए नहीं बल्कि सत्ता में अपनी कुर्सी बचाने और अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए किया गया हो। जब से बजट पास हुआ है तब से इस बजट की आलोचना संसद से लेकर देश की आम जनता के बीच खूब हो रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बजट का कड़ा विरोध किया है, लेकिन इस पर भी जब राहुल गांधी बजट को लेकर सवाल कर रहे थे उस वक्त देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हंस रही थी। क्या बजट मजाक का कोई विषय है जिस पर वित्त मंत्री को हंसी आ रही थी? निर्मला सीतारमण से जब महंगाई को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खाती, इसलिए मुझे इसकी कीमत से कोई मतलब नहीं है। अब इस बजट को लेकर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार से तीखा सवाल पूछा है, बताते हैं आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय बजट पर सवाल करते हुए अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि इस 70 पेज के बजट में अयोध्या का नाम कहीं भी नहीं है। दूरबीन लगा कर देखा पर अयोध्या का नाम कहीं नहीं मिला, उत्तर प्रदेश का नाम भी कहीं नहीं है। सपा नेता ने कहा कि भाजपा ने अयोध्या के नाम पर यूपी में राजनीति और व्यापार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दलित जात से आता हूं और सामान्य सीट से अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया था। देश के कोने कोने से उनको हराने के लिए लोग आए, लेकिन भगवान राम की कृपा सिर्फ उन्हीं पर थी। अयोध्या में लोगों के दो दो पीढ़ियों के मकान को बुलडोजर लगाकर गिराया गया। जब अदालत से भाजपा को मंदिर निर्माण का आदेश दिया तो भाजपा ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। जमीन को लेकर कई घोटाले किए, 2 करोड़ की कीमत वाले जमीन को 18 करोड़ का बेचा। यूपी में बीजेपी ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया। यूपी में यदि किसी ने काम किया है तो वह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया है। सपा ने मेडिकल कॉलेज बनवाए, सिविल लाइन बनवाई, बिजली के तारों को अंडरलाइन किया। साथ ही लोकसभा सदन में अवधेश शर्मा ने यह भी मांग किया कि एक कमेटी बनाई जाए जो यह पता करे कि अयोध्या में कितना घोटाला हुआ। रिपोर्ट पेश होगी तो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक सवाल तो और उठता है, जब से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट से बीजेपी हारी है तब से पीएम मोदी श्री राम और सनातन का नाम लेना छोड़ दिए हैं। अब इधर जितने भी वीडियो पीएम मोदी के आ रहे हैं उसमें ना तो कहीं राम का जिक्र है और ना ही कहीं सनातन का। चुनाव के पहले तो ऐसा लगता था जैसे पीएम मोदी जैसा राम का भक्त और सनातन धर्म का रक्षा करने वाला इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए देश के विकास से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि धर्म का विकास किया जाए। इस देश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मूल सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। इस देश के लोगों को अगर किसी की ज़रूरत है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की है जो दिन भर झूठ पर झूठ बोले और जनता के सवालों से मुंह छिपाकर इधर उधर भागते रहे। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।